हेलो दोस्तों, तो आज का जो एपिसोड है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है। जो हमारा भाई अतुल, तो अतुल मेरे भाई स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। तो ये अतुल हैं, हमारे गांव से हैं स्पेशली, और भाई को शौक है लिखने का। तो भाई से थोड़ी सी बातचीत करते हैं, वार्तालाप करते हैं और इनसे इनका इंट्रोडक्शन लेते हैं। तो भाई से थोड़ा अपने बारे में बताओ, बारे में इंट्रोडक्शन दो अपना। अगर कभी वक्त मिले तो कर लेना मुझको याद, अगर कभी वक्त मिले तो कर लेना मुझको याद, अतुल शर्मा नाम है मेरा, जिला मुरादाबाद। ओ भाई, तो देख सकते हो भाई का, मतलब मैंने कहा था ना, जैसे बोला था ना, लिखने का शौक है, और लिखने के शौक के चक्कर भाई ने अपने जो इंट्रोडक्शन दिया वो अपने अलग ही अंदाज से दिया। तो ये पहला पॉडकास्ट ऐसा होने वाला है जिसमें कि भाई अतुल हमारा आया है, और चाहूँगा कि आपको लिखने का शौक कहाँ से है? बचपन से। बचपन से जी। अच्छा, तो मतलब किस टाइप से लिखते हो आप? जी, मैं हाथ से ज़्यादा लिखता हूँ, बचपन से हाथ से लिखने का शौक था। अच्छा, तो मैं अब स्टेज शो भी करता हूँ, प्रोग्राम करता हूँ, स्कूलों में जाता हूँ, जहाँ पे 15 अगस्त 26 जनवरी कहीं पे कोई प्रोग्राम होता है, मुझे वहाँ बुलाया जाता है। तो ये तो अच्छी बात है, एक तो प्राउड फील होता होगा कि हाँ यार, देखो होता ही है कि हम कुछ चीज़ कर रहे होते हैं और वहाँ पर कोई हमें इन्विटेशन मिलता है कि एक एज अ चीफ गेस्ट के तौर पर, तो वाली चीज़ मतलब काफ़ी अच्छी लगती होगी, तो कैसा फील होता है? ये बहुत अच्छा फील होता है। और मैं जब से मुझे पता चला कि हमारे जितेंद्र भाई ब्लॉग बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं, उनका अपना खुद का यूट्यूब पे एक चैनल है, तो मेरे मन में ख्याल आया कि क्यों ना उनसे मिला जाए और उन्हें कुछ सुनाया जाए। तो मैं जितेंद्र भाई के लिए लाया हूँ कि दिल इनका इतना बड़ा है जैसे कि समंदर, और जैसा है बाहर वैसा ही अंदर, जैसा है बाहर वैसा ही अंदर, और देखने में इतना शरीफ नाम है जितेंद्र। अरे भाई 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 भाई, तो देख सकते हो कि भाई का ना अंदाज, मतलब इंट्रोडक्शन देने का अंदाज ही अलग है भाई, मज़ा आ गया। मतलब कुछ भी गया, मतलब मेरे लिए इतना अच्छा लिखा है यार। देखो, देख सकते हो भाई दोस्त की, मतलब पहला ऐसा चीज़ है जो मैं मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब किसी ने आज तक मेरे लिए इतना कुछ नहीं लिखा। अभी मतलब मैं समझता हूँ स्टार्टिंग से, मैं तुम चैनल देख रहा हूँ, मैंने ब्लॉग्स देखते हो स्टार्टिंग से, तो ऐसा कोई ब्लॉग मतलब देखा ही नहीं होगा जिसमें इतना कुछ लिखा। तो भाई तुमने लिखा तो मुझे अच्छा फील हुआ भाई, धन्यवाद इस चीज़ के लिए। और मैं जो है दो लाइन और कहना चाहूँगा जितेंद्र भाई के लिए, मुझे इतनी खुशी हुई इनसे मिलके, इतनी खुशी हुई कि मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास शब्द नहीं है। तो मैं जितेंद्र भाई के लिए क्या कहना चाहता हूँ, कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, और जितेंद्र भाई हैं हमारे खासों में कुछ खास। अरे कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, और जितेंद्र भाई हैं हमारे खासों में कुछ खास। ऐसी है हमारे जितेंद्र भाई की आदत, कोई के सामने करेगा बगावत, झूठ से इनको है नफरत, सच किए रखते हैं चाहत। कोई इनसे झूठ बोले तो इन्हें नहीं होगा बर्दाश्त। कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, और जितेंद्र भाई हैं हमारे खासों में कुछ खास। रोज उठकर सुबह को मांगता हूँ इनके लिए खैर, फिर भी पता नहीं मुझे ये क्यों समझते हैं गैर। अरे नहीं भाई, अरे फिर भी पता नहीं मुझे ये क्यों समझते हैं गैर, वैसे तो इनका मेरा कोई नहीं है बैर, चलो छोड़ो जो भी है खैर, एक ना एक दिन इन्हें ये होगा एहसास, और कहने के लिए शब्द नहीं है मेरे पास, और जितेंद्र भाई हैं हमारे खासों में कुछ खास। भाई भाई, ग्रेट 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 भाई, भाई मज़ा आ गया, मतलब इतना कुछ गहराइयों में कैसे भाई, मतलब कुछ तो बताओ, मैं मतलब स्टोरी बताओ अपने बारे में, कुछ बताओ कहानी। तो मेरे भाई अतुल, जैसे कि मैं मतलब मुझे तो पता ही है बचपन का, जैसे आप बचपन में कहाँ रहते हो, मतलब क्योंकि मेरे गांव में सेम हो, तो थोड़ा सा बताओ स्टार्टिंग में कि देखो मैं बचपन से शहर आ गया था, आप एज इट इज वहीं में, तो अपनी थोड़ी सी कहानी हमारे सब्सक्राइबर्स को बताओ, क्या स्ट्रगल है आपकी? देखिए दोस्तों, जितेंद्र और हम बचपन के मित्र हैं, और ये जो है काशीपुर शिफ्ट हो गए आके, और हम गाँव में रहे, और बीच बीच में हमारा इनका मिलना जुलना होता रहा। तो नाम तो मैंने आपको बता ही दिया है, अतुल शर्मा नाम है मेरा, और गांव है मेरा पिलकपुर गुमानी। तो मैं आपको एक अंदाज में आपको ये बताना चाहूँगा कि अतुल शर्मा नाम है मेरा और गांव है पिलकपुर गुमानी, और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी कहानी। अतुल शर्मा नाम है मेरा, गांव है पिलकपुर गुमानी, और अब मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी कहानी। तो अतुल शर्मा मेरा नाम है और पिलकपुर मेरा गाँव है। फैमिली में हम तीन भाई हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, और मैं अभी स्टडी करता हूँ। वो मुझे बचपन से लिखने का शौक। अच्छा, लिखने का शौक है, तो मतलब कुछ उस टाइप की भी शायरी लिखते हो जो दिल टूटी टाइप की, मतलब जो होती है बेवफाओं के लिए कुछ? जी, बेवफाओं के लिए तो मैं ये कहना चाहूंगा, मैंने दो शब्द उनके लिए शब्द होने चाहिए ना, कि मेन जो होता है लिखने वाला, वो ज्यादातर देखो पहले तो लिखता है प्रेम भरी, फिर उसके बाद जब दिल टूट जाता है, सबसे ज्यादा शायर तो वहाँ बनता है, क्योंकि कहा पता है ना कि शायर जो होता है वो वहीं से बनता है जब दिल टूटता है। कुछ तो वजह होंगी शायरी लिखने की। मैंने जिसे चाहा वो दिल्ली चली गई, और जब मैं दिल्ली गया तो वो इटली चली गई। अरे भाई, मैंने जिसे चाहा वो दिल्ली चली गई, मुझे आया गुस्सा,
मैंने जो पकड़ा तार हाँ। तो कमबख्त बिजली चली। ये हमारे साथ हुआ घटना। अच्छा मतलब ये अच्छा ये रियल घटना है जी। ओ माय गॉड भाई, देख सकते हो कि भाई के साथ ये रियल घटना हुई है, तो ही भाई के मतलब कहते ना अपने शब्दों में बयान कर दिया उस चीज को जो रियल में ऐसा हुआ। तो अब दूसरी बात करो, सही करो, मतलब मैं इसमें कुछ नो कमेंट्स की है ना, क्योंकि प्यार वाली कहानी में अभी हम आगे पहुंचे नहीं है और ना हमें थोड़ा सा इंटरेस्ट इन चीज़ों में। अभी थोड़ा सा हमें जो चीज़ करनी है वो करेंगे, बाकी चीज़ें बाद में होंगी। तो बाकी मतलब और क्या लिखते हो, मतलब किस चीज़ के ऊपर लिखते हो? और मैं अपने देश के बारे में भी कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं, सुनाओ फिर। सुनाओ देश के ऊपर बताना चाहूँगा कि अतुल का नाम दुनिया में शेष रहना चाहिए, अतुल का नाम दुनिया में शेष रहना चाहिए, और मैं रहूँ या ना रहूँ मेरा देश रहना चाहिए। अतुल का नाम दुनिया में शेष रहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब आपस में हैं भाई भाई, हम सबको एक दूजे में समावेश रहना चाहिए, हम सबको एक दूजे में समावेश रहना चाहिए, और मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। अतुल का नाम दुनिया में शेष रहना चाहिए, और देश की सेवा करना प्रथम है फर्ज, देश की सेवा करना प्रथम है फर्ज, इस बात का हम सभी पे है कर्ज, इस बात का हम सभी पे है कर्ज, और इस बात का हम सब पे संदेश रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश। तो एक चीज और मैं भाई, मतलब कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मतलब जैसे आपने स्टार्ट किया लिखना, लिखने के बाद जैसे आपने खुद ही बोला कि मुझे इन्विटेशन मिलते हैं कि बुलाते हैं लोग मुझे एज ए स्कूल में परफॉर्मेंस करने के लिए, तो सबसे पहली परफॉर्मेंस कब करिए, मतलब आपको थोड़ा डर से लगा स्टेज पे जाने में? जी देखिए, मुझे शुरू शुरू में हेजिटेशन होती थी, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ा होता गया मेरी हेजिटेशन दूर होती चली गई, और अब मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं अकेला बोलता हूँ और सारी पब्लिक मुझे सुनती है, तो मुझे बहुत अंदर से अच्छी फीलिंग आती है, और मुझे अभी यहाँ नहीं रुकना है, मुझे बहुत आगे तक जाना। नहीं देखो, हमारी तो दुआएं हैं कि भाई आप आगे जाओ और बढ़ते रहो, क्योंकि बढ़ते का आप समझ सकते हो, जितना आगे जाओगे उतना अच्छा लगता है, और हमें भी प्राउड फील होगा, आप भी नाम रोशन करो अपने गाँव का और फैमिली का, वो चीज़ होती है। तो उसमें फिर पहली परफॉर्मेंस आपने कब करी और कहाँ करी? जी जब मैं कक्षा एक में था। अच्छा। और जब मैं पढ़ रहा था गांव में, हमारे प्राइमरी स्कूल है सरकारी, तो मैं जब कक्षा एक में था तो मुझे बचपन से ही लिखने का शौक था, तो धीरे धीरे मेरे बारे में पता चलता गया, तो जो हमारे टीचर थे उन्होंने मेरा नाम बोला कि अतुल आओ, और 26 जनवरी का दिन था। अच्छा। तो उन्होंने मुझे बुलाया, तो मैंने छोटा था उस टाइम पे, तो मैंने जो है उस टाइम पे ये कविता सुनाई थी, नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद। ये कविता मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और बचपन में भी इस कविता को ज़्यादा गाता था कि नन्ना मुन्ना राई हूँ देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद। उसके बाद धीरे धीरे मैं बढ़ता रहा और लिखता रहा, और धीरे धीरे मेरा नाम जो है आस आस पड़ोस में होता रहा, और धीरे धीरे लोग मुझे मेरी कविताओं के माध्यम से जानने लगे। सो भाई देख सकते हो, जैसा ही आपने ये चीज़ देखी, और भाई ने मेरे लिए जो कविता लिखी, मतलब इनके दिल में मेरे लिए इतना प्यार भाई अल्टीमेट था। मतलब कह सकते हो कि देखो, एक ना यही सक्सेस होती है जिसको बोलते हैं, जो होता है ना अचीवमेंट होता है। अचीवमेंट में जरूरी नहीं कि आप कार लो, बंगला लो या गाड़ी लो, कुछ नहीं होता भाई। अचीवमेंट ये होती है कि आपके लिए कोई कुछ शब्द लिखे, और वो आज मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ मेरे भाई ने, मतलब करा है अतुल ने, जो ये स्पेशली मेरे गाँव से आए हैं, और मतलब नेक्स्ट लेवल खुशी है भाई। मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ कि मेरे लिए कुछ लिखा है भाई ने। तो भाई थैंक यू मेरे भाई कि भाई ने लिखा, और मैं भगवान से प्रे करूँगा कि भाई भगवान आपको और ऐसे ही आगे बढ़ने दें, ठीक है। और हमारा मतलब हमारे साइड से आप सबके लिए आशीर्वाद है कि भैया कि आप ऐसे जीवन में बढ़ते रहो। सो भाई फिलहाल अभी जो हमारा पॉडकास्ट पूरा कम्प्लीट हो चुका है, अब अतुल भाई से हम लेते हैं अलविदा। तो भाई का हमारे चैनल पर आए, उसके लिए आभार करते हैं भाई का, और फिलहाल अभी इनसे लेते अलविदा। तो ठीक है अतुल भाई, जाते वाते आप हमारे सब्सक्राइबर को क्या कहना चाहोगे? देखिए सभी दोस्तों से मेरा ये कहना है कि हमें जो है मौज मस्ती के साथ साथ पढ़ाई लिखाई पे भी ध्यान देना चाहिए, और उसके ऊपर मेरी दो लाइनें हैं कि कान खोल कर सुन लो बात मेरी, रखियो ध्यान में, कान खोल कर सुन लो बात मेरी, रखियो ध्यान में, और शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में, और शिक्षा की है कमी आज भी हिंदुस्तान में। तो देख सकते हो भाई, तो फिलहाल भाई सब मैं अलविदा लेते हैं। फिलहाल आपको कैसा लगा एपिसोड प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताना, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, भाई का टैलेंट शेयर करना, क्योंकि भाई में काफ़ी ज़्यादा टैलेंट है, और आप में भी ऐसा कोई टैलेंट है तो प्लीज़ मुझे सीधा पिन करना, देन मैं आपसे मिलने आऊँगा आपके पास।